हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे सकुरा के पिग्मा माइक्रोन्स का, जो कि ये मेरे पास है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा, जो मैंने हल्क बनाया इन्हीं से बनाया था कंप्लीट, और मैंने मंडाला बनाया था इनसे। तो इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा किस तरह के पेन्स होते हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्रॉइंग्स में, और अपनी ड्रॉइंग्स भी दिखाऊंगा जिन जिन में मैंने यूज़ किया है, किस तरह से यूज़ किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लेट्स सी। सो गाइज, ये है मेरे पास 6 माइक्रोन्स, जिनका मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। 003, 005, 01, 03, 05 और 08। इसमें 02 और 04 नहीं है, तो अगर आप 8 वाला पैक लोगे तो आपको वो उसमें मिल जाएंगे। बाय द वे, इनसे भी काम चल जाता है मेरा तो। और ये है माइक्रोन PN और ग्राफिक। PN में आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, बट ग्राफिक में आपको ग्राफिक 1, 2 और 3, तीन ग्राफिक आते हैं। ये हैं ग्राफिक 1 और ग्राफिक 2, जो कि आप डिफरेंस देख सकते हैं। ग्राफिक 3 भी आता है, जो कि इसी की तरह होता है, इसे थोड़ी मोटी नहीं होती है, सेम इसी की तरह। और जो माइक्रोन PN है वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर भी अवेलेबल हो जाते हैं, अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। और जो बाकी माइक्रोन पेन्स हैं उनकी निब इसके अकॉर्डिंग होगी, 003, 005। सबसे पतला 003 होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज, ये है 003, जो कि आप देख सकते हैं, आपको निब दिख भी नहीं रही अच्छे से। और गाइज, ये हैं बाकी सारी निब्स, देख लो। ये है 003, 005, 1, 3, 5 और 8। 08 वाली निब सबसे ज़्यादा मोटी है, ये तो आपको इजीली दिख भी रही होगी। सबसे पहले तो माइक्रोन पेन से यूज़ करके देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले मैं सबसे पतले वाला यूज़ करके दिखा रहा हूँ, 003 वाला, जो कि बहुत मस्त है। सबसे ज़्यादा मेरा तो यही यूज़ होता है। इसकी इंक फैलती नहीं है गाइस बिल्कुल भी, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल फाइन फाइन लाइन अच्छे से ऑप्ट हो पा रही हैं। अगर कोई चीप पेन होता तो उसकी इंक काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं, तो इसकी ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है मुझे। बिल्कुल जो लाइन है, हैचिंग है, वो हम बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। निब के हिसाब से इसमें से इंक बाहर निकलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी फालतू की बाहर से नहीं निकल रही है। ये है 005 का, जो कि इससे थोड़ा मोटा होगा। इनसे हमको कुछ भी बनाना है तो हमको हैचिंग का ही यूज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं लाइन लगा दिखा रहा हूँ आपको। तो देख लो, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये है 01, 03, 05। चाहे आप फास्ट फास्ट हैचिंग करोगे तब भी इसकी इंक बिल्कुल सही निकलेगी। तो ये सबसे मोटी निब है इसकी, 08 वाली। आपको कहीं पे बिल्कुल डार्क करना है तो आप कर सकते हैं। तो गाइज, आपको काफ़ी यार डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा हर किसी निब में। बिल्कुल फाइन फाइन लाइन काफ़ी अच्छे से ऑप्ट हो रही है, बिल्कुल भी कोई भी इंक बाहर नहीं निकल रही है। इसमें 02 और 04 मिसिंग है, अदरवाइज आप देख लो बाकी सारी निब तो काफ़ी अच्छी है। सो अब मैं आपको PN और ग्राफिक भी दिखा देता हूँ, इनकी निब कैसी है। सो ये मेरे पास 2 PN है, एक तो ब्लैक है और एक ब्लू है, तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो मेरे पास तो ब्लू है ओनली, ये यूज़ करके देख लेते हैं कैसा है। ये भी गाइस काफ़ी फाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पेन की तरह तो नहीं है बट फिर भी हम इससे काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं हैचिंग करके। और ब्लैक वाला भी ऐसे ही है। ब्लैक वाला मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया अपना स्केचेज़ में, और भी बहुत जगह यूज़ किया है, इसलिए अब इसकी इंक ख़त्म होने वाली है, मुझे नया लेना पड़ेगा। और ग्राफिक 1 और 2 भी दिखाता हूँ कैसे हैं। ये मार्कर की तरह काम करता है, अगर हमको डार्क डार्क आउटलाइंस करनी है। बाय द वे, इंक सब में सेम है, और ग्राफिक 2 कुछ इस तरह का है। और जो ग्राफिक 3 है उसमें हम इससे भी मोटी लाइंस कर सकते हैं, जो इसकी जो निब है ग्राफिक 3 की, वो इससे थोड़ी मोटी है, तो इस तरह की लाइंस आएंगी बट इससे थोड़ी मोटी आएंगी। मैंने माइक्रोन से स्पाइडरमैन बनाया था कॉमिक कॉन में, अगर आपने देखा था तो, ये वाला। तो जो मैंने माइक्रोन्स का यूज़ किया था कंप्लीट, देख सकते हैं आप, ग्राफिक का भी यूज़ किया था और पेन का भी यूज़ किया था। तो इस तरह के आप वर्क बना सकते हैं, काफ़ी मस्त लगते हैं माइक्रोन से, काफ़ी डार्क डार्क। मैं आपको मेरे और वर्क्स दिखाता हूँ माइक्रोन वाले, कि किस तरह के आर्ट वर्क्स आप भी बना सकते हैं माइक्रोन्स का यूज़ करके। माइक्रोन्स का यूज़ आप अपने स्केचेज़ में भी कर सकते हैं डार्क एरियाज़ के लिए, जैसे कि ये स्केच मैंने बनाया था, इसमें मैंने काफ़ी माइक्रोन का यूज़ किया था। जो भी आपको ये डार्क पार्ट दिख रहा है, या फिर ये डार्क पार्ट दिख रहा है, आइज़ में ये डार्क पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैंने माइक्रोन्स का यूज़ किया था। एसिड फ्री है, पिगमेंट है, तो पेपर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो सारा ग्रेफाइट आपको शाइन दिख रहा होगा, बट इस वाले पार्ट में आपको शाइन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, या फिर आइज़ में देखो, यहाँ पे भी आपको शाइन नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज ये इंक है तो इसमें शाइन नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अपने हाइपर रियलिस्टिक स्केचेज़ में अगर डार्क एरियाज़ करने हैं तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोन्स का। आईलेजेस बनाने हैं या फिर डार्क डार्क हेयर बनाने हैं, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरह से आप एक ही डायरेक्शन में हैचिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी मस्त लगता है आर्टवर्क। ये भी कंप्लीट नहीं है, मैंने कॉमिक कॉन में स्टार्ट किया था। एंड ये हल्क वाला तो आपने देखा ही था, रिसेंटली मैंने बनाया था, तो इसमें भी मैंने कंप्लीट माइक्रोन्स का ही यूज़ किया है। इसकी वीडियो तो आपने देखी होगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ,
एक एक आपको लाइंस दिख रही होंगी इसमें, 0.003 वाले माइक्रोन की। टाइम बहुत लगता है बट जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी यूनिक से लगते हैं, माइक्रोन के जो वर्क्स होते हैं वो काफ़ी मस्त से लगते हैं। और मैंने ये बनाया था हुमायूं टॉम, जो कि आपने देखा था, ये मैंने कॉन्टेस्ट के लिए बनाया था सकुरा के, तो इसमें भी कंप्लीट माइक्रोन्स का ही यूज़ किया था। देखो ये भी काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, अगर पास से देखोगे तो इसमें आपको कंप्लीट हैचिंग दिखेगी, एक एक लाइन दिखेगी माइक्रोन की। 003 वाला सबसे ज़्यादा यूज़ किया था मैंने। तो काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स आप बना सकते हो इससे, कुछ भी बना सकते हो इस तरह से हैचिंग करके। थोड़ा सा भी अगर दूर से देखोगे तो लगेगा नहीं कि पेन से बनाया है, ऐसे लगेगा पेंसिल से ही बनाया है। या फिर इस तरह की डूडलिंग कर सकते हैं, मंडाला बना सकते हैं। इसे मैंने फ्रेम करवा लिया है, इसे मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था, अगर आपने वीडियो देखी थी तो देख लेना। इसे मैंने इन्हीं माइक्रोन से बनाया था और एक रेफरेंस ली थी, और ये डिज़ाइन मैंने अपने हिसाब से बनाया था कंप्लीट। तो इस तरह के आर्टवर्क्स भी आप बना सकते हैं, क्रिएटिव, काफ़ी मस्त लगते हैं। इसे तो मैं अभी यहीं पे लगा लूँगा अपने रूम में, बहुत मस्त लग रहा है। देखो इस तरह के वर्क अगर आप फ्रेम कराओगे ना, बहुत प्यारे लगते हैं। देखो बस साइन करना भूल गया मैं अपना। अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है ना, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैंने किस तरह से बनाया था, किस तरह से मैंने रेफरेंस लिया था और बनाया था। और गाइज ऐसा नहीं है कि माइक्रोन से बनाने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, इसको बनाने में मुझे कम से कम भी 6-7 घंटे लग गए थे। ये बहुत ईजी वैसे लग रहा होगा बट जो इसके अंदर डिटेलिंग अगर आप वीडियो देखोगे तो बिल्कुल आराम आराम से माइक्रोन चलाना पड़ता है अगर आपको बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेट बनाना है तो। और जो मैंने हल्क वाला बनाया उसमें मेरे को 8-9 घंटे लग गए थे। तो टाइम तो गाइज इसमें भी लगता है, टाइम तो आपको हर जगह देना ही पड़ेगा अगर आपको अपना बेस्ट आर्ट वर्क बनाना है तो। बट जो माइक्रोन वाले वर्क है ना वो काफ़ी डार्क डार्क काफ़ी मस्त से लगते हैं। आपने जैसे कि हल्क देखा, दूर से देखोगे ना ऐसा लगता है कि पेन से बना ही नहीं रखा, पेंसिल से भी नहीं लगता, बिकॉज काफ़ी डार्क डार्क से बनते हैं। तो एक यूनिक सा आर्ट स्टाइल बनता है डार्क डार्क में। मैं आने वाले वीडियोस में और भी बनाऊंगा, काफी मजा आता है माइक्रोन से बनाने में। तो अब इसकी इंक के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर होता है पिगमेंट, पिगमेंट इंक होती है। अगर आपको पिगमेंट नहीं पता है तो दो टाइप की इंक होती है, पिगमेंट और डाई। कलर्स में ये आपको हर जगह मिल जाएगी, अगर चीप होगा तो वहां पर डाई यूज होता है, अगर कोई एक्सपेंसिव है, कोई बढ़िया ब्रांड है तो वो पिगमेंट होता है। पिगमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एसिड फ्री होती है और वाटर में मिक्स नहीं होती, वाटर प्रूफ होती है, और जो भी आप ड्रॉ करते हो, जो भी आप बनाते हो वो आपका सालों साल सही रहता है। तो जो भी चीप ब्रांड्स होते हैं वो अपने कलर्स में, या फिर मतलब ओनली इसी में नहीं, वो अपने वाटर कलर में, एक्रेलिक्स में, ऑयल में डाई यूज करते हैं। बट जो एक्सपेंसिव ब्रांड होते हैं वो पिगमेंट यूज करते हैं। तो पिगमेंट और डाई में ये फर्क होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जब मैं सकुरा की वर्कशॉप में गया था तो सकुरा के ऑफिसर्स 2 शीशी लेके आए थे, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, एक में है पिगमेंट और एक में है डाई। तो जो अभी है इसमें है पिगमेंट, और ये आपको काफी गाढ़ी गाढ़ी दिख रही होगी क्योंकि जो पिगमेंट है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, वाटर प्रूफ होता है और इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। बट अगर मैं दूसरी शीशी की बात करूँ तो इसके अंदर डाई स्टफ है जो कि आप देख सकते हैं वाटर में बिल्कुल ईजिली मिक्स हो चुका है। और वो पीछे से सकुरा के ऑफिसर्स अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि क्या फर्क होता है दोनों में, और जो हमारे माइक्रोन्स होते हैं या फिर हमारे कलर्स होते हैं उनमें हम पिगमेंट यूज करते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा जब मैं सकुरा के वर्कशॉप में गया था तो वहां पर उन्होंने दिखाया था अच्छे से, एक बॉटल वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे वो अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो उसी टाइम मैंने वीडियो बना ली थी, मुझे पता था कि आने वाले वीडियोस में या फिर कभी तो मुझे अपने ऑडियंस को दिखाना पड़ेगा ये, तो मैंने उसी टाइम वीडियो बना ली थी। तो गाइज बस यही डिफरेंस होता है डाई और पिगमेंट में। और जो इसकी इंक है वो डार्केस्ट इंक है और बेस्ट इंक है, अगर आप किसी और फाइनल नाइलन से कंपेयर करोगे तो, फैबर कैस्टल स्टेडलर, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में कंपेयर करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बोलना, क्योंकि मैंने कंपेयर करके देख लिया है इसकी जो इंक है वो बेस्ट है। और ये आपको 6 वाला सेट मिल जाएगा, 8 वाला मिल जाएगा और मैक्सिमम 63 वाला मिल जाएगा, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर सारे माइक्रोन्स अवेलेबल हैं, इसके अंदर 63 माइक्रोन्स हैं, सभी कलर में हैं, सभी टिप में हैं, तो ये तो मेरे को बेस्ट बॉक्स लगता है। अगर आपको मांगा कॉमिक बनाना ज़्यादा पसंद है, जिस तरह से मैंने बनाया स्पाइडरमैन वगैरह, तो आप इस तरह के ये वाले दो हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ये वाला भी मांगा कॉमिक है और ये वाला भी मांगा कॉमिक है, तो मेरे पास है बिकॉज मैं इस तरह की ड्राइंग बनाता रहता हूँ। अदरवाइज आप ब्रश वाला भी ले सकते हैं, मेरे पास ब्रश वाला नहीं है बिकॉज मेरा उसको कोई काम नहीं है, मेरे को ज़्यादा काम पेन का ही रहता है। तो आपको जिस टाइप का भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा, इतने सारे इसके पैक होते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आप इनको लूज़ भी परचेज कर सकते हैं, अमेजोन पर भी मिल जाएंगे, अदरवाइज आप अगर दिल्ली में जाओगे किसी बड़ी शॉप में आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, या फिर हॉबी क्राफ्ट पर तो मिल ही जाएंगे। सो गाइज आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी माइक्रोन्स की अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाते रहेंगे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कुछ और पूछना है तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।